नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के लिए हम बहुत सी तरह के फेशियल्स करते हैं जिनमें पर्ल, गोल्ड और डायमंड फेशियल्स शामिल हैं और इससे हमें स्किन ग्लो भी हासिल होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ग्लो हमारी स्किन से गायब भी हो जाता है। आज हम आपके साथ DIY फेशियल शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपनी स्किन को ग्लो प्रोवाइड कर सकें और वो इनर एंड आउटर ग्लो भी हो और इसके साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी हो। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं और इसमें बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं जो कि इजीली घर में अवेलेबल होते हैं। सो फेशियल स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1। सबसे पहले 2 टेबलस्पून दही लें और किसी बारीक मलमल के कपड़े में या किसी स्ट्रेनर में डालकर अच्छी तरह दही का पानी अलग कर लें। एक कॉटन पैड लें या अगर आपके पास पाइप है तो उसे पहले वॉश कर लें और उसके बाद दही के पानी में डिप करके इससे फेस की क्लिनजिंग करें। क्लिनजिंग करते हुए डायरेक्शन अपवर्ड रखेंगे और सर्कुलर मूवमेंट में क्लिनजिंग करेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को इंस्टेंटली क्लीन करता है और डस्ट को रिमूव कर देता है। 2 से 3 मिनट की क्लिनजिंग के बाद आप अपने चेहरे को किसी टिश्यू से या किसी बारीक कपड़े से साफ करना है, लेकिन पानी से वॉश नहीं करना क्योंकि इस पर ही हम स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2, आफ्टर क्लिनजिंग अब हम स्क्रबिंग करेंगे और बहुत ही माइल्ड सा स्क्रब बनाएंगे ताकि हमारी स्किन डीपली क्लीन भी हो और किसी भी किस्म का स्किन इरिटेशन भी ना हो। और ये माइल्ड और 100% इफेक्टिव स्क्रब बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले 1 टेबलस्पून सूजी, 1 टीस्पून कॉफ़ी, और स्टेप नंबर 1 में हमने जिस दही का पानी अलग किया था वो दही हम इस सूजी और कॉफ़ी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और सबसे आखिर में आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रब बनाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसके अंदर दही और शामिल कर दें, और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा रनी है और लिक्विड ज़्यादा हो चुका है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी सूजी और शामिल कर सकते हैं। सो फाइनली स्क्रब रेडी हो चुका है। थोड़ी सी क्वांटिटी में स्क्रब अपने हाथों पर लें और अपने फेस पर और नेक एरिया पर अप्लाई करें। अपवर्ड डायरेक्शन के साथ सर्कुलर मूवमेंट के साथ स्क्रबिंग करनी है और थोड़े से प्रेशर के साथ करनी है। एंड नो वरीज, स्किन पर कोई भी इरिटेशन नहीं होगा क्योंकि सूजी बहुत ही माइल्ड स्क्रब इंग्रेडिएंट है, और जब आप इसे थोड़ी देर दही में डिप रखते हैं तो आप खुद देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और स्किन को इरिटेट नहीं करता। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह स्क्रबिंग करने के बाद अपने फेस को किसी गीले कपड़े या टिश्यू से अच्छी तरह साफ कर लें, लेकिन स्टेप 2 के बाद भी अपने फेस को पानी से वॉश नहीं करना क्योंकि हम स्टेप नंबर 3 मसाजिंग इसी पर अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 मसाजिंग, फेस मसाज के लिए हम सबसे पहले मसाजिंग क्रीम रेडी करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल 1 टीस्पून, विटामिन ई कैप्सूल 2, और इसके साथ साथ स्टेप 1 में जो हमने दही का पानी इस्तेमाल किया था उसमें से हम 1 टीस्पून दही का पानी इस मसाजिंग क्रीम में शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को एक बोल में डालें और बहुत अच्छी तरह मिक्स करें ताकि एक क्रीमी सा टेक्स्चर हो जाए और एक मसाजिंग क्रीम हमारे पास रेडी हो जाए। मसाजिंग क्रीम रेडी है, अब हम फेस पर मसाज करेंगे। सबसे पहले क्रीम को फेस पर अप्लाई करें और इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हुए सर्कुलर मूवमेंट के साथ फेस का मसाज करें और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मसाज करना है। मसाज क्रीम को भी रिमूव नहीं करना बल्कि नेक्स्ट स्टेप हम इसी पर अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 4, फेस मास्क। इस स्टेप में हम फेस पर मास्क अप्लाई करेंगे ताकि वो तमाम नरिशमेंट जो अब तक हम स्किन को प्रोवाइड कर रहे हैं उसे लॉक कर सकें। और फेस मास्क बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मुल्तानी मिट्टी 2 टीस्पून, कॉफ़ी पाउडर 1 टीस्पून, दही 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 4 to 5 ड्रॉप्स। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप लेमन जूस को स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और अब हम इसके अंदर फाइनल और मैजिक इंग्रेडिएंट बीट रूट पाउडर यानी चुकंदर का पाउडर
या चुकंदर का जूस शामिल करेंगे। बीटरूट पाउडर या जूस इस्तेमाल करने से ना सिर्फ स्किन पर नेचुरल पिंक कलर अचीव होगा, बल्कि इसके साथ साथ स्किन ग्लो भी करेगी और ब्राइट भी नजर आएगी। फाइनली इस मास्क को फेस पर अप्लाई करें और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और उसके बाद पानी से वॉश कर लें। और फाइनली स्किन की नरिशमेंट, ग्लो और ब्राइट लुक को लॉक करने के लिए हम स्किन पर अप्लाई करेंगे कोकोनट ऑयल के चंद ड्रॉप्स। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी लोशन, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप अपनी स्किन को मॉइस्चर देने के लिए यूज़ करते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर फेशियल आप अपनी स्किन पर जो ग्लो देखेंगे वो डेफिनेटली आप लॉक करना चाहेंगे फॉर लॉन्ग लास्टिंग। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आप जब भी डे टाइम में घर से बाहर निकलें तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये DIY फेशियल आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और हर टाइप की स्किन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये तो थी आज की ब्यूटी टिप। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान। ये मालूमती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।